सो गाइस आपका स्वागत है मेरी नई वाली वीडियो में। इसमें मैं सिखाने वाला हूँ आपको 5 क्रिएटिव मोबाइल फोटोग्राफी ट्रिक्स। अगर आप इनका यूज़ करते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे वायरल हो सकते हैं। एंड देन अगर आपने मेरी कोई प्रीवियस वीडियो मिस आउट कर दिया है तो आपको आई कार्ड में मिल जाएंगी या फिर लिंक उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। एंड अगर आपको मेरी कोई भी फोटोग्राफी ट्रिक अच्छी लगती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड अगर आपने मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स फॉलो नहीं किए हैं तो उनके भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दिए गए हैं, तो आप उन्हें भी जाके फॉलो कर सकते हैं। तो बढ़ते फर्स्ट ट्रिक की तरफ। सो गाइस बढ़ते हैं फर्स्ट ट्रिक की तरफ। फर्स्ट ट्रिक का नाम है अ सैड मैन इन द टनल। इसमें हमें एक रोड की एक पाइप या एक आयरन रोड की जरूरत होगी जो कि अंदर से खाली हो, जो कि रेक्टेंगुलर शेप का हो एंड देन जो कि रस्टेड हो। ऑब्वियसली हमें यह करना है उसको नीचे रख देना है सरफेस पे एंड मोड़ों को बोल देना कि वो उससे बहुत ज़्यादा दूर जाके बैठ जाए ताकि वो छोटा दिखाई दे। एंड देन हमें जो रोड थी उसके आगे हमें कुछ पानी को इस पैटर्न में डालना है कि वो रिवर की कुछ पैटर्न ले ले ताकि वो फोटो में अच्छा दिखाई दे। और मोड़ों को हमें बोल देना है एक सैड पोज लेने के लिए ताकि फील आ पाए। एंड हमें मोबाइल को एक लोअर एंगल पे सेट कर देना है जिसमें हमें मोबाइल को उल्टा रखना होगा और हमें कैमरे को कुछ ऐसे मैनेज करना होगा कि जो मॉडल है वो जो रोड के एकदम बीचों बीच आए। एंड देन कर लेना हमें फोटो को क्लिक। सो गाइस बढ़ते हैं सेकंड ट्रिक की तरफ। सेकंड ट्रिक का नाम है कैमरा इन द डस्ट। इसमें हमें थोड़ी सैंड की जरूरत होगी जो कि थोड़ी सी रफ हो, तो थोड़े से पार्टिकल्स हो। इसमें हमें क्या करना है, मोड़ों को बोलना है थोड़ी सी मिट्टी हाथ में ले लेनी है उसको और कैमरे की तरफ देखना है और कैमरामैन को हमें बोल देना है लोअर एंगल से पीछे क्लिक करनी है जिसमें उसको मोबाइल को उल्टा पकड़ना होगा। और मॉडल को हमें इसमें बोलना है कि वो जो थोड़ी सी जो मिट्टी उसने ली थी उसको उसको कैमरे पे गिराना है, ना कि इधर उधर कैमरे पे ही गिराना है। अगर कैमरा पे स्केचेस नहीं लाने हैं आपको तो आप प्लास्टिक पॉलीथिन जो कि ट्रांसपेरेंट हो उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमें फ़ोटो क्लिक करने के लिए एक अलग मेथड का अप्लाई करना पड़ेगा जिसमें हमें जो कैमरा मोड ऑन करना है एंड देन जो फोटो का जो ऑप्शन होगा उसमें हमें बर्स्ट शॉट का इफेक्ट यूज़ करना है ताकि एक ही टाइम में बहुत सारे फोटोज़ क्लिक हो जाएं। हमें जो बटन है फ़ोटो क्लिक करने का उसको लगातार लॉन्ग प्रेस करना होगा ताकि बहुत सारे फ़ोटो एक ही टाइम पे क्लिक हो जाएं, जिसमें से कोई ना कोई ऐसा फ़ोटो हमारे पास मिल जाएगा जो कि अच्छा होगा। तो कर लेते हैं फ़ोटो क्लिक। तो गाइस बढ़ते हैं थर्ड ट्रिक की तरफ। थर्ड ट्रिक का नाम है फाइंडिंग अ व्यू। इसमें हमें एक शर्ट की जरूरत होगी जो कि चेक की हो या फॉर्मल हो, जो भी हो चलेगी, बट चेक की हो तो ज़्यादा अच्छे फोटो क्लिक होकर निकलेंगे। एंड इसमें हमें मॉडल को बोल देना है कि वो अपनी आँख के आगे उस शर्ट को रखे एंड जो फिंगर्स है उसको अंदर की तरफ फोल्ड करे। एंड फिर हमें जो क्या करना है, मोबाइल को सीधा करके फ़ोटो क्लिक नहीं करने हैं, हमें इसमें लैंडस्केप मोड में कन्वर्ट कर देना, मतलब फ़ोन को घुमा देना है, टेढ़ा कर देना है। एंड देन हमें क्या करना है, मोड़ों को बोलना है कि जो मोड़ों को अपनी आँखों से कैमरे की तरफ देखना है, ना कि इधर उधर कहीं नहीं देखना। एंड हमें जो मोबाइल कैमरा है उसके अंदर उनकी आँख की तरफ फोकस करके रखना होगा। एंड देन हमें कर लेना है फ़ोटो क्लिक। तो गाइस बढ़ते हैं फोर्थ ट्रिक की तरफ। फोर्थ ट्रिक का नाम है एवरीथिंग स्टॉप्ड। इसमें हमें एक लेमन ले लेना है एंड हमें एक नाइफ ले लेना है। उस नाइफ से हमें इस लेमन को 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर देना है इक्वली। एंड देन हमें एक लेमन के पार्ट में एक स्टिक लगा देनी है एंड देन सेकेंड लेमन के पार्ट में भी एक स्टिक लगा देनी है, पतली सी स्टिक। एंड देन हमें एक जो स्टिक है उसको एक मॉडल को या फिर कोई एक आदमी है उसको दे देना है। एंड अगर आपके पास कोई आदमी नहीं है तो आप इंडियन जुगाड़ लगा सकते हैं एंड सेकंड स्टिक को आप खुद के अपने हाथ से पकड़ सकते हैं। एंड आपको कैमरे को लो एंगल पे रखना है एंड उल्टा पकड़ना है। एंड फिर जो मॉडल को हमें बोलना है कि वो कुछ ऐसे एक्ट कर जैसे उसने कुछ कट किया हो। एंड देन हमें मोबाइल के कैमरा ऐप में जाना है, फिर उसके बाद हमें मैनुअल मोड में जाने के बाद 30-40 फोकस करना है। एंड हमें कर लेना फोटो क्लिक। जो ये फोटो क्लिक होकर निकल के आया था ये कुछ स्टिक्स के साथ आया था, तो इसको इरेज करने के लिए मैंने सिंपल MI का जो फ़ोन का खुद का एडिटर होता है उसमें एक इरेज का ऑप्शन होता है, तो मैंने उसका यूज़ करके इसको एडिट किया है। एंड इसको इरेज करने के बाद कुछ ऐसा फ़ोटो निकल के आया है।
गाइस बढ़ते हैं फिफ्थ ट्रिक की तरफ। फिफ्थ ट्रिक का नाम है फील ऑफ अ शैडो। सो गाइस ये इस वीडियो की लास्ट ट्रिक होने वाली है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कि मैं फ्यूचर में ऐसे ही अमेजिंग क्रिएटिव फोटोग्राफी ट्रिक्स डालने वाला हूँ। एंड गाइस बढ़ते हैं इस ट्रिक की तरफ। तो इस ट्रिक में गाइस हमें कोई घर का या फिर कोई जगह का कोई ऐसा पार्ट लेना है जहाँ पे मस्त या अच्छी सी कोई शैडो क्रिएट होती हो। हमने इस ट्रिक में ग्रिल्स का यूज किया शैडो क्रिएट करने के लिए। अगर आपके पास कोई ऐसी जगह नहीं है तो आप एक ट्रिक का यूज कर सकते हैं कि आपके घर में कुछ यूटेंसिल्स होंगे, उस यूटेंसिल्स में कोई पैटर्न्स कटेड होंगे, या फिर आप पेपर का यूज़ कर सकते हैं एक शेडो क्रिएट करने के लिए। एंड देन फिर कैसे हमें क्या करना है, जो मोबाइल को पोर्ट्रेट मोड में रखना है, मतलब सीधा रखना है। एंड फिर हमें मोड के ऊपर फोकस करना है। एंड फिर हमें डिफरेंट डिफरेंट एंगल से फोटो क्लिक करना है। तो कर लेते हैं फोटो क्लिक। सो गाइज आई होप यू enjoyed माई वीडियो। इफ़ yes, then give it a big thumbs up. So guys, अगर आपको मेरी वीडियो में कोई भी ऐसा पार्ट लगता है जिसमें इंप्रूवमेंट होना चाहिए तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा। एंड जी मैंने फोटोज़ क्लिक की थी वो सारी मैंने एडिट की हैं और रिटच किए हैं लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। एंड गाइज अगर आपको इसका ट्यूटोरियल चाहिए, फुल एक्सप्लेन ट्यूटोरियल, डिटेल ट्यूटोरियल, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। एंड गाइज प्लीज म्यूजिक सब्सक्राइब माय चैनल। फ्यूचर में मैं कुछ ऐसी अमेजिंग फोटोग्राफी ट्रिक्स डालने वाला हूँ एंड टिप्स भी डालने वाला हूँ। एंड गाइस इस वीडियो को उन दोस्तों के पास शेयर कीजिए जो कि फोटोग्राफी के दीवाने हैं। एंड गाइस जो सोशल मीडिया अकाउंट्स को अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ उनको फॉलो कर दीजिए। उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं एंड स्क्रीन पर उनकी आईडी दी गई है। एंड गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग।